तो चलिए इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसके अलावा हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, और हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं ड्यूफे एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं हरीफ। तो आपके साथ मैं आज जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो सबसे पहले आज हम डिस्कस जो करना चाहेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पहले बच्चों इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहले बच्चों अभी हम समझेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले तो आप समझिए पहले बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लो सपोज करो मैं आपके पास एक बॉडी है, सपोज करो आपके पास बॉडी ए है, ठीक है, एक बॉडी ए ली हमने, पर बच्चों एक बॉडी हम लेते हैं बी, ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए एक बॉडी ए ली आपने, एक बॉडी बी ली, और ये दोनों बॉडी ना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। पर बच्चों क्या हो रहा है इनमें? अट्रैक्शन हो रहा है इनमें, ठीक है। अब हमने क्या किया पर बच्चों, एक बॉडी ली मान लीजिए, एक सी बॉडी ली और एक बॉडी हमने पर बच्चों डी बॉडी ली, ठीक है, एक बॉडी हमने ली डी। देखिए पर बच्चों इनके बीच में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है। पर बच्चों क्या कर रही है? रिपेल, इनके बीच में रिपल्सन हो बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ध्यान से देखो, जब दो बॉडी को हमने पास में लाए तो अट्रैक्शन हुआ, मान लो किसी दो बॉडी को हम पास में लाए तो रिपल्सन हुआ। फिर में प्यारे बच्चों ये रिपल्सन और जो अट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा है, एक्चुअल में समझिए प्यारे बच्चों, जो इन दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ये एक्चुअल में चार्ज की वजह से हो रहा है, और दो बॉडी के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है ये भी चार्ज की वजह से हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों बॉडी के बीच में यानी इन बॉडीज के बीच में जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ही अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है। प्यारे बच्चों यही एक बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यही फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी किसी बॉडी की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है एक्चुअल में उसी उन्हीं की वजह से अगर कोई दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है प्यारे बच्चों वही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। प्यारे बच्चों वही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो इजिली से आप इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप कह सकते हैं द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बच्चों क्या कह सकते हैं? द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू विच शोज ड्यू टू विच शोज इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन रिपल्सन बिटवीन एनी टू बॉडीज, एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड प्यारे बच्चों इसे ही क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। प्यारे बच्चों इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देख रहे हैं, क्या बोला? द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू विच सोज इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बॉडी या तो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन शो कर रही है या फिर इलेक्ट्रिक रिपल्सन शो कर रही है कोई भी दो बॉडी के बीच में, एक्चुअल में इसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। प्यारे बच्चों इसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में, प्यारे बच्चों देखो एक्चुअली द अट्रैक्शन है रिपल्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन ये जो इलेक्ट्रिक रिपल्सन हुआ है ये इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। तो आई आई होप कि आपको ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किन्हीं दो बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। पर जो आप ये देखिए दो बॉडी है मान लो इनके बीच में मुझे क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन हो रहा है, तो इन दो बॉडी के पास जो प्रॉपर्टी होगी उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से तो आ रहा हो, यानी इन दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है यानी या तो ये दूर भाग रही है या पास आ रही है, तो इन बॉडी की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी उसकी वजह से तो हो रहा है। तो एक्चुअल में उन फंडामेंटल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट आप देखेंगे, आप नेक्स्ट देखेंगे वो आपका आता है कुछ कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज के वो देखिए ध्यान से। अब देखो अगर हम बात करें अभी देखो अगर हम बात करें इसके नेमिंग इलेक्ट्रिक चार्ज के नेमिंग की, तो प्यारे बच्चों पहले तो एक बात ये समझनी है, पहले तो आपको ये बात समझनी है कि नेमिंग ऑफ चार्ज, नेमिंग नेमिंग ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय
गिवन बाय बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकली। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने, मैंने कहा नेमिंग ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी चार्ज की जो नेमिंग दी थी प्यारे बच्चों, जो चार्ज की नेमिंग की थी वो सबसे पहले किसने दी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इन्होंने ही चार्ज की नेमिंग दी थी कि चार्जेस चार्जेस आपके पास जो है एक पॉजिटिव होता है, यानी हम आप कह सकते हैं सच एज पॉजिटिव चार्ज, और प्यारे बच्चों एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो यानी चार्ज की जो नेमिंग की थी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी दो टाइप के चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए इन्होंने नेमिंग की और बताया एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज की नेमिंग सबसे पहले किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पर बच्चों इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं वो सबसे पहले किसने बताया था, ड्यूफे ने। ये भी ध्यान रखना है कि ड्यूफे ने सबसे पहले बताया था कि चार्ज कितने टाइप्स। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज टू टाइप्स, टू टाइप्स, चार्ज इज टू टाइप, चार्ज इज टू टाइप्स वॉज फर्स्ट टोल्ड बाई ड्यूफे। फिर बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, चार्ज इज टू टाइप वॉज फर्स्ट टोल्ड बाई ड्यूफे। ड्यूफे ने सबसे पहले ये बताया था कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। बच्चों चार्ज दो टाइप्स के होते हैं सबसे पहले किसने बताया, ड्यूफे ने। फिर बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, चार्ज दो टाइप्स के होते हैं इन्होंने बताया था। लेकिन प्यारे बच्चों इन्होंने जो दो टाइप्स बताई थी चार्ज की, इन्होंने एक तो बताया, एक तो चार्ज की टाइप होती है विट्रस, एक तो चार्ज की टाइप बताई विट्रस, और दूसरा बताया था रेजिनस, रेजिनस। इसका डिस्कशन करेंगे हम कि चार्ज की दो टाइप्स होती है, एक विट्रस एक रेजिनस, यानी चार्ज दो टाइप्स के होते हैं सबसे पहले किसने बताया था, बच्चों वो ध्यान रखना आपको, ड्यूफे ने। ड्यूफे ने चार्ज की जो दो टाइप्स बताई थी उसमें एक बताया था कि एक टाइप्स होता है विट्रस, यानी चार्ज की टाइप विट्रस, और एक रेजिनस। मेरे बच्चों आज आपको पता है चार्ज की जो दो टाइप्स होती है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। आपको थोड़ा ये बात समझनी पड़ेगी कि जो चार्ज है वो दो टाइप्स के होते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया था, वो ड्यूफे ने बताया था। लेकिन उन्होंने चार्ज की तो दो टाइप बताई थी स्टार्टिंग में, वो विट्रस और रेजिनस। लेकिन उसके बाद जब बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उन्होंने इनका नामकरण किया, कह सकते हैं जैसे एक बच्चे का नामकरण करते हैं ऐसे ही चार्ज का नामकरण किया कि ये भाई अच्छा नहीं लग रहा तो हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो इन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि भाई जो विट्रस है ना आप इसको पॉजिटिव चार्ज मानिए, और जो रेजिनस है आप इसको नेगेटिव चार्ज मानिए। तो इनका नाम रख दिया कि विट्रस पॉजिटिव चार्ज है और रेजिनस नेगेटिव चार्ज है। तो आप कह सकते हैं कि जो चार्ज की नेमिंग की थी वो किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है हमने बताया, एक नेमिंग ऑफ चार्ज और टाइप्स ऑफ चार्ज किसने बताया था हमने ये डिस्कशन किया। अब प्यारे बच्चों एक आता है ड्यूफे एक्सपेरिमेंट, ड्यूफे एक्सपेरिमेंट। फिर बच्चों एक हमारा टॉपिक हो गया ड्यूफे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्या है ड्यूफे एक्सपेरिमेंट, क्यों हमारे लिए ड्यूफे एक्सपेरिमेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। पर बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी इन 1735 में, इन 1735 यानी 1735 में ड्यूफे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाया कि चार्ज दो टाइप्स का होता है, जिसमें एक विट्रस और रेजिनस। यही यही एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस था कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो ड्यूफे एक्सपेरिमेंट था उसमें जो बताया गया, डिस्कवरी की थी कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मेनली तो यही था कि भाई इसने चार्ज की दो टाइप्स की डिस्कवरी की थी कि चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, ये बताया था। तो इन 1735 चार्ल्स चार्ल्स ड्यूफे ड्यूफे डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो क्या लिखा, इन 1735 चार्ल्स ड्यूफे डिस्कवर्ड टू टाइप ऑफ चार्ज फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स। यार बच्चों इन्होंने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले यानी 1735 में जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें बताया कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। बड़ा आसान है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, इन्होंने एक ग्लास रोड ली प्यारे बच्चों, एक ग्लास रोड ली, ध्यान से समझना, बड़ा आसान है। इन्होंने एक ग्लास रोड ली, ग्लास रोड, ठीक है, और एक सिल्क क्लोथ लिया, ये लिया सिल्क क्लोथ, ठीक है।
इन दोनों को इन्होंने रब किया, फिर बच्चों इन्होंने इनको रब किया, आपस में रगड़ दिया। पर जो रगड़ने पर देखो, अब ध्यान से सुनना, ग्लास रोड को सिल्क रोड के साथ रब किया, इसके बाद इन्होंने एक रोड और ली जिसका नाम हम रख लेते हैं एबोनाइट रोड, ये एक एबोनाइट रोड थी, और यहां पे एक फर ले ली, पर एक टाइप का आप बोल सकते हैं जैसे बिल्ली की स्किन होती है, कैट फर्स होती है, कैट जो स्किन होती है ना उसको आप बोलते हैं, जो ऐसे एनिमल जिसकी लेंथ है वो जो ज्यादा होती है, जो लंबे एनिमल्स होते हैं ना उनकी जो स्किन है उनको फर कहते हैं, तो फर। इन्होंने एबोनाइट रोड को फर के साथ रब किया, ठीक है, रब किया और ग्लास रोड को सिल्क रोड के साथ रब किया। तो फिर बच्चों देखो, ये दो इंसुलेटिंग बॉडी है, जब इनको आपस में रगड़ेंगे तो इस पे एक टाइप का चार्ज आ गया और इस पे एक टाइप का चार्ज आ गया। तो इन्होंने देखा कि जब ग्लास रोड को, मेरे बच्चों देखो, एक ग्लास रोड थी, अभी अभी बताया ग्लास रोड, इस ग्लास रोड को इसके साथ रगड़ने पर हमने यहां रखा, एबोनाइट रोड को फर के साथ रब करने के बाद इसके पास लेके आए, किसके पास लेके आए मेरे बच्चों, एबोनाइट रोड के पास, एबोनाइट रोड के पास लेके। तो मेरे बच्चों व्हाट हैपन, क्या होना चाहिए, जैसे ही ग्लास रोड को सिल्क रोड के साथ रब करने के बाद और एबोनाइट रोड को फर के साथ रगड़ने के बाद जब इन दोनों को पास लाए, तो फिर बच्चों इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन। फिर बच्चों क्या हुआ, अट्रैक्शन, इनमें अट्रैक्शन हुआ। फिर बच्चों क्या हुआ, अट्रैक्शन। आप ध्यान से समझिएगा, ग्लास रोड पे एक टाइप का चार्ज आ गया, एबोनाइट रोड पे एक टाइप का चार्ज हो गया। तो जो ग्लास रोड पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भाई ग्लास रोड पे जो चार्ज आया वो एक टाइप का है और एबोनाइट रोड पे जो चार्ज आया वो एक दूसरी टाइप का, इसका मतलब दो डिफरेंट टाइप के चार्ज ही तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, राइट। यहाँ अट्रैक्शन होने का कारण इन दोनों पे अलग अलग चार्जेस हैं। तो इन्होंने पाया कि भाई चार्जेस ना दो टाइप्स के होते हैं। तो जो ग्लास रोड पे इन्होंने चार्जेस पाया, फिर बच्चों जो ग्लास रोड पे चार्जेस पाया उनका नाम इन्होंने रखा विट्रस, क्या रखा, विट्रस। लेकिन फिर बच्चों जो एबोनाइट रोड पे जो चार्ज इनको ऑब्जर्व हुआ उसका नाम इन्होंने रखा रेजिनस, क्या रखा, रेजिनस। तो फिर बच्चों चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, ये सबसे पहले ड्यूफे ने ही बताया था, और कैसे बताया था, ड्यूफे एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ ड्यूफे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ऐसा पता लगा था। तो इस लेक्चर में आपने क्या जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की नेमिंग किसने की थी, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, और ड्यूफे एक्सपेरिमेंट क्या है। और इस पूरे लेक्चर की अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से इसकी पूरी फुल पीडीएफ जो है, नोट्स जो है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।